नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। सीबीआई ने पीएमओ के नकली अफसर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, पैसे लेकर लाभ दिलाने का झांसा देने का आरोप। दिल्ली के प्रदूषण पर रॉबर्ट वाड्रा ने आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरा, बोले जहरीली हवा जाति धर्म नहीं देखती। कैलाश गहलोत ने बीजेपी मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मणिपुर भेजी जाएंगी सीएपीएफ की 50 और कंपनियां। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, सीएम बोले खाद की कमी नहीं, डेंगू पर रोक लगाने के लिए हर शहर में कर रहे फॉगिंग। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हमसे पूछे बिना प्रतिबंध ना हटाएं, हालात गंभीर, राज्य सरकारें दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक स्कूल बंद करने पर तुरंत फैसला लें। अयोध्या में प्रभु राम का तिलकोत्सव, जनकपुरी से पहुंचे 300 मेहमान। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पाथेर पांचाली की दुर्गा का 84 साल की उम्र में निधन, कैंसर से जंग हारी उमा दास गुप्ता। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।